हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को लेकर के है। यानी कोई नंबर आपने बाइनरी दिया तो ये प्रोग्राम आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दे देगा बहुत ही इजीली। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं बाइनरी और डेसिमल में क्या है, कैसे हम ये पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे हम तो अभी यहां से मैं यहां पर मान लीजिए 101 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है 101। तो 101 का ये तो बाइनरी है, ये तो ऑलरेडी बाइनरी में दिया हुआ है क्योंकि 10 के अलावा इसमें और कुछ तो दिया नहीं गया है, तो ये तो बाइनरी हो गया। तो इसका कन्वर्जन जब हम करेंगे तो ये देखिए यहां से हमेशा राइट साइड से आएंगे और यहां 1 × 2^0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर पे 0 का पावर का मतलब होता है 1 और 1 × 1 = 1। अब यहां पे लिख दिया हमने 1, तो देखिए ये है 0, तो 0 × 2^0 कर देते, 0 हो गया है, अब ये 1 होगा। यानी कि ये जो पावर है ये बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, जैसे हम बढ़ेंगे तो ये पावर बढ़ता जाएगा। यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबका मिला करके 0 हो जाएगा ये। फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर है ये 1, तो 1 × 2^2 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 1 × 2^2, तो जैसे ही 2^2 होगा तो 2^2 का मतलब 4 हो गया, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। ठीक है, यानी 4 और 1 और 0 इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है, और यहां बेस 10 लग जाएगा, तो यानी कि डेसिमल कन्वर्जन हो गया 5। ठीक है, 101 का जो बाइनरी था उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हो गया 5। अब इसको वापस से बाइनरी में अगर कन्वर्ट कर देता हूं मैं, देखिए मैं बाइनरी कन्वर्जन भी करके दिखाता हूं। देखिए यहां से बाइनरी कन्वर्जन मैं स्टार्ट करता हूं, यानी बाइनरी कन्वर्जन करने पे वापस 101 आ जाना चाहिए, तो यहां से 2 से उसको डिवाइड करते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं आपके पास, मैं ये ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 × 2 = 4 होगा, इन शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर यहां पे मैं लिख देता हूं, 1 बचेगा तो ये 1 मैंने लिख दिया। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2 होगा, यानी 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहां पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जो रिमाइंडर है उसको यहां लिख दीजिए, यहां पर काट दीजिए, जो ये वाला ये 1 है इसको यहां पर लेके आ जाइए और ऐसे उल्टा चल दीजिए। ठीक है, यानी लास्ट में क्या है ये 1, तो यहां ब्रैकेट में आता हूं 1 और फिर क्या है 0, फिर यहां 0 और फिर यहां 1। ठीक है, यानी 101 आ गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां बाइनरी का बेस होता है 2, तो ये हमने लगा दिया 2। तो बस यही आपको करना है, इसी तरह का लॉजिक है। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए इस प्रोग्राम को। यहां पर इंटीजर टाइप का एक नम नाम का हमने वेरिएबल बनाया, फिर बाइनरी वैल बनाया, फिर यहां पर डेसिमल वैल बनाया है जिसमें इनिशियलाइज किया है 0, और बेस नाम से बनाया है जिसमें इनिशियलाइज किया है 1, और एक रैम नाम से भी बनाया है ताकि रिमाइंडर को उसमें स्टोर करा सको। फिर ये सारे कंडीशंस वगैरह देख लीजिए, एक बार इस प्रोग्राम को चलाते हैं हम। ठीक है, तो यहां से एक बार इसको कंपाइल करते हैं, तो ये कंपाइल हो जाना चाहिए, हां हो गया कंपाइल। अब यहां से इसको रन करवाते हैं, तो रन करवाने पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर अ बाइनरी नंबर दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, तो बाइनरी नंबर 101 का हमने किया था, क्या आया था 5 आया था, तो एंटर करते देखते क्या आता है। यहां पे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है ना, यहां पे देखिए इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट इज 5। क्लियर, अब देखिए यहां पर क्या करता हूं, यहां पर दोबारा से इसको एक बार और रन कराता हूं, तो ये रन करा दिया। अब इस बार कुछ और देते हैं, लाइक 1001 देते हैं, यानी इसका बाइनरी कन्वर्ट, बाइनरी जो है इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, तो यहां पर देख सकते हैं 9 होगा। तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।